दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द की। दोस्तों आज के समय में कम उम्र के लोगों में ही ये समस्या देखी जा रही है। पहले के जमाने में ये 50 से 60 साल की उम्र में घुटनों का दर्द होता था, लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल, डाइट का खराब होना और उस पर ध्यान ना देना, अपने खाने में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जोड़ों में घुटनों में दर्द की जो समस्या है कम उम्र में होने लगी है। दोस्तों आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जो 15 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपकी बॉडी के अंदर होने वाला दर्द दूर हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और देनी थी। दोस्तों अगर आप भी एक महीने में 20,000 से लेकर 1,00,000 तक कमाना चाहते हैं, रोजाना सिर्फ आपको 2 घंटे काम करना होगा, इस चीज की सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है और यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आप जब चाहे फोन कर सकते हैं और इस काम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगी बाबा रामदेव द्वारा बताया गया एक ऐसा इलाज जिसे आपने जरूर करना है और इसके इस्तेमाल के 3 दिन के अंदर आपका दर्द दूर हो जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल आपको 1 महीना रोजाना करना होगा ताकि ये दर्द भविष्य में दोबारा कभी नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ घुटनों में दर्द क्यों होता है। घुटनों में दर्द होने की एक बड़ी वजह है घुटनों में लुब्रिकेंट कम हो जाना, यानी कि जोड़ों में जो ग्रीस होती है जो हमारी हड्डियों के बीच में रहती है, ये जब कम होने लगती है तो हड्डियाँ आपस में टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से उठते बैठते समय घुटनों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिस वजह से घुटने दुखने लगते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अपनी डाइट में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दीजिए। लो फैट मिल्क, डायरी प्रोडक्ट, बादाम, सोया और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 50 साल है या फिर इससे ज्यादा है तो आप रोजाना 1 ग्राम के करीब चूना जो होता है ना, पान की दुकान से मिलता है, ये खाना शुरू कर दीजिए। आप चूने को पानी में घोलकर ले सकते हैं, दही में डालकर ले सकते हैं या फिर जूस में डालकर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ आपने गेहूं के दाने की जितना चूना लेना है और इसे कभी भी दूध के अंदर मिक्स करके नहीं लिया जाता, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। अगर आपके शरीर में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो किडनी स्टोन वालों ने चूने का इस्तेमाल नहीं करना। ये जो चूने की रेमेडी है इसका इस्तेमाल आप लगातार 15 दिन तक कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आप 7 दिन का गैप कीजिए, यानी 7 दिन छोड़ दीजिए, फिर आपने दोबारा 15 दिन इसका सेवन करना है। इसके अलावा सूरज की रोशनी जरूर लें। सूरज का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी का बहुत अच्छा साधन है। सुबह के वक्त में जब सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं तो ये शरीर को मजबूत बनाती हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो इसीलिए कुछ समय के लिए, यानी कम से कम 30 मिनट के लिए आप सूरज की धूप के आगे जरूर बैठे। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आप अंडे वगैरह खा लेते हैं, तो अंडे का जो पीला भाग होता है उसको आपने जरूर खाना है, सिर्फ 2 अंडे के पीले भाग को। अब मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने घुटनों के दर्द को जोड़ों के दर्द से आराम पा लेंगे। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, ये रेमेडी आप सबके लिए फायदेमंद होगी। साथ में आगे जानेंगे बाबा रामदेव द्वारा बताया गया एक परफेक्ट नुस्खा जो 3 दिन के अंदर अपना असर दिखा देता है। इस उपाय में आपको लेनी है दोस्तों 4 काली मिर्च, इसके साथ में आपको लेना है दोस्तों मुनक्का, उसके साथ लेना है हमने यहाँ अखरोट। इन तीनों चीजों को आपने शाम को पानी में भिगोकर रख देना है। दोस्तों 4 काली मिर्च, 4 से 5 मुनक्का और आपने 2 अखरोट छील कर लेने हैं। उसके बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए शाम को भिगो दीजिए और रात के समय हमने इसका इस्तेमाल करना है। रात के समय आपने इन तीनों चीजों को पानी से अलग कर लेना है और इसको कूट लीजिए, यानी कि दरदरा सा एक पेस्ट रूप में तैयार कर लीजिए। इसके साथ हमने लेना है 1 गिलास गुनगुने दूध। 1 गिलास गुनगुने दूध के अंदर आपने इस मिश्रण को डालना है और इसका सेवन लगातार करना है 15 दिन के लिए। ये उपाय आपके घुटनों में होने वाली जो ग्रीस की कमी है उसको पैदा कर देगा, यानी ग्रीस को बढ़ाने का काम करेगा। अखरोट के अंदर प्रोटीन, विटामिन ई, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, हमारे घुटनों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है वो शरीर में आई सूजन को दूर करता है। अगर आपके घुटनों में दर्द के साथ साथ
सूजन है तो उसे भी ये कम करने में मदद करता है। इस उपाय को आप हर मौसम में सेवन कर सकते हैं, बारिश में, गर्मियों में, यानी कि बेफिक्र होकर सब महीनों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ 15 दिन आपने इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस नुस्खे का 15 दिन लगातार इस्तेमाल करने से घुटनों में होने वाला दर्द या फिर मांसपेशियों में रहने वाली ऐठन दूर हो जाएगी, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, घुटनों में तो ये बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा ये शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। आपको पूरे दिन में अगर बहुत ज्यादा आलस, थकान और कमजोरी रहती है तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप लगातार 15 दिन तक जरूर कीजिए। इसे किसी भी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस रेमेडी की जो कि बाबा रामदेव द्वारा बताई गई है। दोस्तों, ये रेमेडी से बहुत सारे लोगों ने फायदा किया है और हम इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने घर पर करते हैं बिना किसी तकलीफ के, लेकिन हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए। यानी कि हम हफ्ते में 2 या 3 बार उस रेमेडी का इस्तेमाल ऐसे ही कर लेते हैं सबके सब मेंबर। दोस्तों, इसे करना कैसे है? आपने मेथी दाना देखा होगा, मेथी दाने का इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, पहले मेथी दाना भिगो दीजिए रात को और सुबह जब ये फूल जाएगा तो इस मेथी दाने को आपने अंकुरित करना है, यानी कि इसके स्प्राउट निकाल लेने हैं। आपको एक चीज बता देती हूँ, जब मेथी के स्प्राउट निकल जाते हैं, अंकुरित हो जाती है, तो इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है और इसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये शरीर के अंदर वात यानी वायु के सभी विकारों को दूर कर देती है। वात के कारण अगर आपके कमर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जितनी भी वात के कारण 80 रोग होते हैं उसे दूर कर देगा। इसका असर आपको 3 दिन में दिखने लगेगा कि आपको बॉडी में पेन नहीं हो रहा, आपको ऐठन सी फील नहीं हो रही, लेकिन इसका इस्तेमाल ईमानदारी से आपने 1 महीना रोजाना करना है। लेकिन करना कब है वो जरूर जान लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को ये नहीं पता कि अब ये अंकुरित हो चुकी है, इसे खाना कब है। दोस्तों, सिर्फ आपने अंकुरित की हुई मेथी के 4 चम्मच लेने हैं और आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लेना है। अब सुबह खाली पेट पानी पी लीजिए, सुबह फ्रेश हो जाइए, उसके बाद जब आपको भूख लगे 15-20 मिनट के बाद, उस टाइम आपने अंकुरित की हुई मेथी दाना चबा चबा कर खा लेना है। इस तरह से अगर आप मेथी दाना 1 महीना खा लेते हैं तो वात वायु जो शरीर में ज्यादा बढ़ रही है और वात के कारण जो जोड़ों और घुटनों में दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों की दोनों रेमेडी अगर आपने फॉलो कर ली, अगर आपने ये इसको 15 दिन एक रेमेडी को और उसके बाद जो मैंने आपको मेथी दाना अंकुरित वाली बताई है बाबा रामदेव की, इसको आपने 1 महीना फॉलो कर लिया, तो उसके बाद आप खुद कहेंगे कि आपके घुटनों में जो दर्द था, ग्रीस खत्म हो रही थी, या कुछ लोगों के दर्द नहीं था, सिर्फ कटकट की आवाज आती थी, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।